वेलकम बैक टू PRST न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी की बड़ी खबरें आपको इसी तरह फटाफट अंदाज में मिलती रहें। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप यूपी के कौन से शहर से इन खबरों को देख रहे हैं, ताकि आपके शहर की खबर हम आप तक पहुँचा सके। खबर हरदोई से है। एक बाइक पर 5 लोग सवार, हैरान रह गई पुलिस। वाहन चेकिंग के दौरान शाहबाद के भेजा चौराहा के पास पुलिस कर्मी उस समय हैरान रह गए जब एक बाइक पर 5 लोग आते दिखे। वाहन चालक को रोका गया तो ना तो उसने मास्क पहना था और ना ही हेलमेट। मोटरसाइकिल चला रहे युवक का पुलिस ने चालान काटा। लखनऊ मार्ग पर इनोवा कार के टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। युवक शुक्रवार को ही बीमार पिता को देखने दिल्ली से गांव वापस आया था। मृतक युवक सुरसा थाना क्षेत्र के बर्रा डाल गांव का निवासी था। अगली खबर कानपुर से है। कच्चे मकान की दीवार गिरने से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोगों ने मलबा हटाकर निकाला बच्ची का शव। लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश की वजह से ढह गई दीवार। साड़ा थाना के मर्दनपुर गाँव का मामला। अमेठी जिले में महिला ANM से अभद्र व्यवहार करने वाले डॉक्टर को बना दिया गया CSC प्रभारी। क्या पूछना चाह रहे हो सर? किस मामले में आज आप आए थे यहाँ पे और क्या जो है आपके द्वारा कार्रवाई की गई? 2 साल पहले कुछ ANM ने डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत की थी दुर्व्यवहार करने की। डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर कादरी के उसी में जाँच में आया। समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे का वीडियो वायरल। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे। आम जनता को महामूर्ख की संज्ञा देते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव के करीबियों में माने जाते हैं मनोज पांडे। नटवर लाल है, एक नटवर लाल नामे रह गया था, इससे बड़ा झूठा मक्कार आदमी कहो रोए कहो गावे कहो मातारी कसम मेरी मरी हुई लाश की कसम कहाँ से लगे है वहाँ। और ये जनता कैठोर की महामूर्ख जनता, महामूर्ख मूर्ख मुंह पर कह रहे हैं महामूर्ख जनता कही मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम लाश की कसम भाइयों बहनों तो मोदी की हम सीएच करे मोदी की। अझूठा नंबर एक साला, कितने लोगों का पैसा उसने नहीं लगा दिया, कुछ तो उनका इंतजाम अभी होगा। सुनते रहो सरकार 22 में बनने जा रही है तो धरती तो यही रहेगी ना कैठोर में, कहाँ रहेंगे लोग याद कर लेंगे 22 में। ईमानदारी के साथ आप 22 में देख लेना, जिस दिन सरकार बन गई विधायक जी के देख लेना, बहुत ईमानदारी के साथ आप लोगों को मैं कह के जा रहा हूँ ना। मैं कोई साले प्रधान से पूछूंगा ना किसी कार्यकर्ता से, सबको कॉलोनी। अखिलेश जी ने कहा कि 5 लाख की कॉलोनी अब की करेंगे तो मैं खुद डायरी लेके निकल लूंगा, आधे घंटे में गांव घूम लूंगा, खुद अपने हाथ से नोट कर लूंगा और 5 लाख की कॉलोनी न दे दिया इस गांव में बता देना। और अगली खबर महोबा से है। महोबा के चखरारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 वर्षीय युवक की हुई मौत। मौत के बाद पोस्टमार्टम कराकर लौटे परिजनों ने मंडी तिराहे में लाश रखकर जाम लगाया। GIC मैदान में किसानों की बहुत भारी भीड़। किसान महापंचायत में कई प्रदेशों से आए किसान। GIC मैदान के बाहर तक जगह किसानों से भरी। लाखों की संख्या में किसान GIC मैदान पहुंचे। GIC मैदान के आसपास का इलाका गाड़ियों से भरा। खबर पीलीभीत से है। नशे में धुत पुलिस कर्मी ने बेकसूर ऑटो चालक को पीटा, सिपाही को पब्लिक ने दौड़ाया। गजरोला थाने के सामने का है मामला। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। खबर शाहजहांपुर से है। खुदाई के दौरान मिला सालों पुराना मंदिर, हवन कुंड और कंकाल। खुदाई के दौरान धर्मस्थल जैसी आकृति दिखाई दे रही है। 7 हवन कुंड बने हैं। सभी हवन कुंडों के बीच में शिवलिंग रखे हुए हैं। कुछ दूर पर कंकाल निकला, फर्श चूना मिट्टी से बना है। और अगली खबर अयोध्या से है। प्रयागराज हाईवे पर सड़क दुर्घटना के मामले को लेकर इलाज के दौरान 2 और युवकों की मौत। मौत की संख्या बढ़कर हुई 3। मौत पर ग्रामीणों ने प्रयागराज हाईवे पर किया जाम। शव रखकर हाईवे पर किया जाम। सफारी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। और अगली खबर भी अयोध्या से है। अयोध्या में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए महास्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के साकेत पूरी कॉलोनी स्थित अनंत शिखर में हुआ। इस कार्यक्रम में 120 बच्चों को महास्वर्ण प्राशन कराया गया। कोरोना काल में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की प्राचीन विधा स्वर्ण प्राशन है। इस पुख नक्षत्र में बच्चों को महास्वर्ण प्राशन कराया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे
चिकित्सकों द्वारा बताया जा रहा है बार बार कि तीसरी लहर आने वाली है और वो तीसरी लहर कोरोना की जो होगी वो बच्चों के लिए घातक होगी, तो इन बच्चों को और इम्यूनिटी पावर बढ़ा करके और बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए उनके अंदर ताकत का निर्माण हो, जिससे कि वो अपने आने वाले समय में बीमारियों से बच सकें, उसके लिए पांडे जी द्वारा शुरू किया गया जो आनंद शिखर का यह प्रयास है, ये बहुत सराहनीय है। बच्चों को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में, जो कहा जा रहा है जो वेरिएंट उसका है डेल्टा वेरिएंट, तो ऐसे में अगर हम पहले से ही सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे और इस प्रकार के जो हमारे प्राचीन परंपरागत जो चिकित्सकीय व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं के तहत जो हमारे जो वैद्य हैं, हमारे जो मुनि हैं, जिन लोगों ने शोध करके इस स्वर्ण प्राशन की व्यवस्था की थी, उसको पुनः स्थापित करके पांडे जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत सराहनीय है और ये अयोध्या में एक अच्छा प्रयास है। यहाँ के बच्चों को हम आने वाले समय में और मजबूत बना करके, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करके, और आने वाले दो तरह से, एक तो बीमारी से भी बचा सकते हैं और दूसरा जो बच्चा होता है वो अगर शुरुआत में ही अगर वो मजबूत होगा, उसका दिमाग विकसित होगा, तो वह एक स्वस्थ नागरिक बन पाएगा और समाज का वो बोझ ढो सकेगा, समाज के लिए बेहतर कर सकेगा, न कि समाज पर बोझ बन पाएगा। तो इस तरह से यह कार्य बहुत सराहनीय है, इनके लिए इस कार्य के लिए हम पांडे जी का धन्यवाद देते हैं। छप्पर के नीचे खड़ी साइकिल बनी छुट्टा सांड के गले की फांस, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। तहसील सिकंदरा कानपुर देहात के विकास खंड संदलपुर के ग्राम कोरू भैरव मंदिर में आयोजित हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर। संचालक का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे दाल में नून का, मर्द में खून का, छुट्टियों में जून का बड़ा ही महत्व है, देखने में सूट का, पहनने में बूट का, लादने में ऊंट का बड़ा ही महत्व है। तो मैं इस बात का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समाज को जो जोड़ने का काम किया है, जो मार्गदर्शन किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मित्रों, हमारे समाज में, हमारे बीच में मातृ शक्ति बैठी है, उनके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि नारी निंदा ना करें, नारी नर की खान, और नारी से नर हो से ध्रुव पहलाद समान, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माताओं से हाथ जोड़ के गुजारिश है, और गलती हो तो क्षमा चाहता हूं, कि पति की निंदा ना करें, पति मूल आधार, पति की निंदा ना करें, पति मूल आधार। और अगली खबर कानपुर से है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे पनकी, विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में होंगे शामिल। दो अंतरजातीय शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, गुजरात में 2.5 करोड़ हीरा लूट के प्रयास में वांछित थे दोनों बदमाश। खबर अयोध्या से है। पीडी पांडे इंटर कॉलेज सोनासा रसूलाबाद विद्यालय परिसर में 5 सितंबर 2021 दिन रविवार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।